अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो यहाँ मेरा प्याला सा बेटा मोहम्मद हाइसम जो था वो सो रहा था और मैं इसे कर रही थी पीकअपू। तो फिर ये थोड़ी देर बाद उठ गया था और आंटी जो थी वो आलू के पराठे बना रही थी। आज हमने आलू के पराठों का नाश्ता किया था और मैंने फिर हाइसम को चेंज वगैरह किया। हाइसम की पुप्पू गाँव गई थी तो वो भी आ गई थी। तो फिर हम लोगों ने जो था वो बैठ के नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद बातें की और फिर मैंने हानिया को कहा कि चलो ऊपर चलते थे। तो फिर उसने बताया कि नहीं, वो स्कूल नहीं जाता, बस बैलून सेल करता है और जो पैसे होते हैं वो ही बस घर लेके जाता है। उसके बाबा भी बता रहा था कि मेरे बाबा भी काम करते हैं। तो फिर उसे हमने अल्लाह हाफिज़ बोला क्योंकि बैलून तो लेना नहीं था, क्योंकि हाइसम तो अभी छोटा है, वो तो खेल ही नहीं सकता। और मेरा पाला सा गुगू बेटा जो था वो बड़ा इंजॉय कर रहा था, इधर ऐसे इधर उधर देख रहा था। एनीवेज़ फिर हम लोग अंदर चले गए और जाके जो भी चीज़ें लेनी थी वो ली ग्रॉसरी की। तो ये देखिए यहाँ पे बोरजान के साथ जो था वो एक नई शॉप बनी थी मदर केयर के नाम से, ठीक है। और भी यहाँ इम्तियाज़ मॉल में कह दें कि काफ़ी ब्रांड्स की जो हैं शॉप्स वो ओपन हो चुकी हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो कह लें कि ये जो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर था इसी पे हैं अभी शॉप्स, अभी तो ऊपर वाले सारे फ्लोर्स रहते हैं। तो सरगोधा में ये दूसरा कह लें कि पहले कह लें कि एक मॉल है बड़ा, इसके अलावा जो था वो अलफतेह या फिर एक दो छोटे छोटे हैं जो सरगोधा में। पाकिस्तानी चॉकलेट्स हैं जो उन्हें बाय करनी चाहिए, ना कि कैडबरी और डेरी मिल्क, है ना। चलो आ जाओ। ये हैं हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हम लोग ले रहे हैं स्पाइसेस में, इसमें सारे मसाले वगैरह जो हैं वो हम पूनम के ही खरीदेंगे। तो यहाँ मैं देख रही थी कि हमारे जितने भी स्टोर और मॉल्स हैं इनमें टोटली प्रोडक्ट्स जो हैं वो इज़राइल की ही हैं, तकरीबन 90% हम कह सकते हैं। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हम सारी ज़िंदगी से पीते आ रहे हैं वो सभी उन्हें के हैं, इसीलिए हम लोगों ने बायकॉट किया है। ये कोक, मरिंडा, फांटा, ये फ्रूटन जो है ये पाकिस्तान का, ये हम लोग पी सकते हैं। और आगे भी जितने भी मिनरल वाटर्स हैं एक्वाफीना, नेस्ले, ये टोटली जो हैं वो कह लें कि इज़राइल की हैं। अपनी प्रोडक्ट सिर्फ गोरमे और पाकोला वगैरह हैं। तो हमने कह लें कि उस दिन की कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। और भी मैं अपने बेटे के लिए जो पानी यूज़ करती थी नेस्ले का वो उस दिन से मैंने बंद कर दिया, बस घर में बॉयल करके उसका फीडर बनाती हूँ। तो अब आज भी हम लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि जो वहाँ की प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोडक्ट है, मतलब जो उनको सपोर्ट करते हैं हम लोग वो नहीं ख़रीदेंगे। तो ऑयल और घी वगैरह, डालडा और ये सब इनका है, तो हम लोगों ने जो पाकिस्तान के थे वही लिए थे। और हम लोग ग्रॉसरी करके आ रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, 9 o'clock हो गया, हमने एक घंटे में बस फटाफट ग्रॉसरी की फटाफट। तो अभी बस चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा था और अब लाइसेंस हो गया था, इसको उठाते आज हम लोगों ने किया ग्रॉसरी। और ये छोटी सी एक बच्ची जा रही है, हाय कर दो फ्रेंड्स को। अगर आपको हमारा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ बच्चे तो सो गए थे और मैं भी सोने लगी थी, तो मैंने कहा चलें सोने से पहले आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट बोल दूँ। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।